मैं ये कहूँगा कि मैं हिंदी फिल्म में इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन मेरे दोस्तों का ऐसा कहना है कि हिंदी पिक्चर से बेहतर है कि तुम मराठी में करो, और इसके लिए हमने दोनों पिक्चर्स साथ में शूट कर रहे हैं, जिसका हमारा नाम है, पहली पिक्चर का नाम है अंतिम डाव, जो शूट हो रही है। और हमारा इसका कंसेप्ट ये है कि आज के दौर में जो स्टूडेंट्स अपने घर के बच्चे जो पढ़ाने को बाहर भेजते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ क्या होती है उस पर अपने लोगों की नज़र नहीं होती है, बच्चे जो पढ़ते हैं उनके साथ में क्या क्या हादसे हो जाते हैं, इसके बारे में हम सोचते नहीं हैं। इस पर खास करके फिल्माया गया है इस पिक्चर को, और जो इसमें जैसे तीन मेन इसमें रोल है, एक हीरो है, और जिनका जैसा यानी एक लॉ स्टोरी टाइप पिक्चर है, एंटरटेनमेंट भी है इसके अंदर, और लॉ स्टोरी ऐसी दिखाई गई जैसे एक गरीब लड़का है और उसके एक एजुकेटेड होने के कारण उसके कॉलेज में एक नाम होता है उसका, उसकी पढ़ाई से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस रहते सब लोग, तो उसके ऊपर वो एक नई जैसा एक स्टूडेंट्स आती है जिसको हमने हीरोइन दिया गया है, अनन्या नाम दिया उसका हमने, तो वो उसके अंदर जैसा आने के बाद में उससे प्रेम करती है, और बाकी के जो दोस्त उसके जो उसके साथ के जो हमेशा रहते हैं, एक एटीट्यूड उनके अंदर आ जाता है कि ये मामूली आदमी से प्रेम करती है और हमसे नहीं करती है, इस वजह से वो लोग उसे चिढ़ते हैं, दुश्मनी पैदा होती है, और उसके कारण जो धीरे 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 बढ़ते बढ़ते वो इतना बढ़ जाती है कि उसमें हमने एक्टर लिया है जैसा जिसको विलन का रोल दिया है पुलिस के रोल में, वो उससे मिलकर उसके साथ में जो अत्याचार जो होता है, ये जो उसके उसके ऊपर जैसा होती है स्टोरी जैसी, तो उनके जो उस पर फिल्म आया गया खासकर, तो उसका यानी मैसेज हमारा सबसे बड़ा ये है कि जब भी अपने बच्चे पढ़े, यानी स्टूडेंट्स के लिए भी है, उसके पेरेंट्स के लिए भी है, कि अपने बच्चों को जिस वक्त हम पढ़ाते हैं तो उस पर हमारी पूरी तरह से एक्टिविटीज़ रहे, उस पर ध्यान रहे कि हमारे बच्चे किस दिशा में जा रहे हैं। इसका अंत हमने ऐसा बताया कि आखिर प्रेम में इंसान इतना दीवाना हो जाता है कि वो अपनी लाइफ उसमें ख़त्म भी कर सकता है। इस उद्देश्य को जैसा लोगों तक पहुंचाने के लिए हमने अंतिम डाव एक पिक्चर तैयार किए। जैसे सर मेरे बहुत पुराने मित्र है, सोशल मीडिया से हम लोग साथ में जुड़े हुए, तो भाई जान ने मुझे तकरीबन 20-25 दिन पहले फ़ोन किया था कि राजू भाई मैं मुंबई आऊँगा तो आपसे मुलाकात करूँगा, तो कल हमारी नाइट में मुलाकात हुई, तो उन्होंने मुझे मेरा रोल समझाया, मतलब सर मराठी पिक्चर में मेरा क्या काम है, पहली बात तो मैंने पहला क्वेश्चन इनसे कहा, तो इन्होंने कहा सर ऐसा है बोले हम ये दिखा रहे हैं कि कॉलेज में कैंप में एक शूटिंग चालू है और जितने भी जो स्टूडेंट्स हैं वो शूटिंग देख रहे हैं, वो कोई शाहरुख खान के फैन है, कोई उसमें अमिताभ बच्चन भी हमारे लुक लाइक राज है जिनका नाम है वो भी है, तो ये आते हैं हमारे पास में, हमारा ऑटोग्राफ वगैरह लेते हैं, फिर पूछते सर मैं शाहरुख खान का बहुत बड़ा फैन हूँ आप ही कोई डायलॉग सुना दीजिए, तो फिर मैं डायलॉग सुनाता हूँ, कोई अमित जी का फैन होता फिर वो अमित जी के डायलॉग सुनता है, तो ऐसा करके उस तरह से एंटरटेनमेंट है, और फिर हम उनसे पूछते हैं कि आप लोगों को पढ़ाई में कितना इंटरेस्टेड है, तो फिर वो बता सर मैं ये बनना चाहता हूँ मैं वो बनना चाहता हूँ, तो एक छोटा सा रोल है, एक दिन का हमारा काम है लेकिन एज अ गेस्ट, लेकिन वो इंपॉर्टेंट काम है कि मतलब हम अगर वो रोल करेंगे तो पूरे पिक्चर में एक यादगार रोल रहेगा कि हाँ भाई दो लुक लाइक आए थे अमिताभ और शाहरुख जी के जो लुक लाइक थे कि इन्होंने आके इस किरदार को अच्छे से निभाया करके, इन्होंने मेरे सामने एक प्रस्ताव रखा, तो मैं सोचा यार अपने भाई लोग हैं बंधु है और सर खुद मीडिया से है, तो मैंने बोला नहीं यार मदद करना चाहिए काम करना चाहिए, हालांकि ये मेरी पहली मराठी फिल्म होगी क्योंकि मैंने आज तक हिंदी फिल्मों में फोकस किया है, जैसे कि फर्स्ट कीजिए मैं सीरियल फिल्में जो होते मैं हिंदी करता हूँ, मैं मराठी गुजराती पंजाबी वगैरह नहीं कर पाता बिकॉज इसलिए क्योंकि मुझे लैंग्वेज नहीं आती, लेकिन एक चीज़ इन्होंने बहुत अच्छी की कि मराठी पिक्चर है लेकिन उसमें मुझे बोलना हिंदी, राइट सर? यस। और भी जैसे कि एक बहुत बड़ा फैन होता है शाहरुख खान का, वो चाहता है कि शाहरुख खान का डायलॉग मैं मराठी में सुनूँ, तो मैं थोड़ा गेम क्या कर देता हूँ, ठीक है मैं डायलॉग्स ये हिंदी में बोलता हूँ तू इसको मराठी में बोल, तो मैंने थोड़ा सा ऐसा गेम करके थोड़ा सा गिमिक की उसमें, तो ये थोड़ा सा उसमें फनी हुआ। मशक्कत तो जितनी मराठी पिक्चर के लिए करनी होती है उतनी समझो सेम जैसे इसकी मेहनत होती है, खर्च भी उतना ही आता है, उल्टा हिंदी पिक्चर में ज़्यादा खर्च आता है। शूटिंग वगैरह कहाँ पे करने वाले हैं, कब तक शुरू? शूटिंग जैसा लास्ट वीक से जनवरी से या फर्स्ट वीक से फरवरी से शुरू हो जाएंगे, हमारा 18 तारीख को ऑडिशन है। मेन हमारा कंसेप्ट ये है कि जैसे आज के दौर में जैसे जो कलाकार जो होते हैं यानी सब 30 के आसपास 28 के आसपास चले जाते हैं, हमने कॉलेज के ऊपर पिक्चर बनाई है इसलिए हम ये चाहते हैं कि इसमें कलाकार हम नए लें, और नए कलाकारों में एक क्षमता होती है करके दिखाने की, और हमारा टॉपिक भी वही है कि मैसेज, तो मैसेज स्टूडेंट ही रहेगा उसके लायक तो हम उसको जैसे शूट कर पाएंगे अच्छी तरह, इसलिए हमने इसके लिए ऑडिशन रखा है 18 तारीख को रविंद्र नाट्य मंदिर पूला देशपांडे हॉल के अंदर जैसे रखा है हमने। जैसे मैं क्या आज मेरे साथ में शकील भाई बैठे हैं, आज एक महीने से हमारी बातचीत चल रही है पिक्चर के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में, तो डायरेक्टर हमारे हैं अभी अपकमिंग डायरेक्टर आ रहे हैं, तो मेरे पास आया तो मेरे को बोले गाने करने हैं, मैं करते हैं, मैं टोटल हेल्प इनको कर रहा हूँ, क्या चाहिए आर्टिस्ट चाहिए कोई चाहिए सब, आइटम गर्ल चाहिए, दूसरी
सेकंड हीरोइन चाहिए, क्योंकि अभी मैं झोल झाल पिक्चर करके आया मराठी, इससे पहले भी किया है, काफ़ी पिक्चर किया, तो अभी इनको हेल्प कर रहा हूँ, जितना हेल्प मेरे तरफ से होगा इनको हेल्प करूँगा। अंतिम दाव के लिए हम लोग पूरा सपोर्ट करेंगे इनके लिए। आज ये आगे एक प्रोड्यूसर अगर जिंदा रहेगा 5,000 घर चढ़ते, तो इनको खड़े रखना हमारा काम है, हम लोग मेहनत करके इनको खड़े करेंगे। सर मैं चाहूँगा कि जैसे पहले तो जैसे 18 तारीख को जो हमारा जो ऑडिशन है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कलाकार आए, और हम इसमें सबसे बड़ी बात एडजस्टमेंट करने को तैयार नहीं है। किस बात के लिए कि हम कलाकार अच्छे ही लेंगे, यानी दिखने को सुंदर हो, उन पर एक्टिंग अच्छी हो और यंग हो, जैसे जो कॉलेज के लिए हिंदी प्रति एक साथ प्रदर्शित करेंगे वो भी कि नहीं, पहले मराठी होगी हमारी, पहले मराठी रिलीज होगी उसके बाद में हिंदी के लिए करेंगे। दर्शकों से क्या कहना चाहूँगा? दर्शकों से एक ही बात कहना चाहूँगा कि इस फिल्म को जो हम जो प्रोड्यूस करने जा रहे हैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें, इसलिए नहीं कि हम बना रहे हैं, इसलिए हम इसलिए आपसे निवेदन कर रहे हैं दर्शकों से कि इस पिक्चर को देखें, और देखने के बाद में अपनी एक लाइफ यानी गलत रास्ते से चल रही है तो उसको किस तरह से हम सुधारें, और उन पेरेंट्स को भी हम संदेश देना चाहते हैं कि वो गुमराही के रास्ते से अगर किसी जाने अनजाने में मोहब्बत के कारण बोलो या किसी के दबाव के कारण अगर बहक जाते हैं तो उनको ऊपर नज़र रखकर उसको अच्छी तरह से उसकी शिक्षा पा सके, ये हमारा संदेश है। तो उसमें ये होता है कि सर शाहरुख साहब की वैरायटी बहुत है सर, मैं आज आप लोग को बता देता हूँ कि शाहरुख साहब जो मेहनत करते हैं वो मेहनत हम 1% नहीं कर पाते। अभी फोर्स कर दीजिए, पहली फिल्म थी उनकी दीवाना, दीवाना का एक डायलॉग सुनाऊंगा छोटा सा, लेडीज एंड जेंटलमैन योर अटेंशन प्लीज, रमाकांत साई को कौन नहीं जानता, ये उनका पहला टोन है सर। देन फिर इसके बाद आप बाजीगर बिग किस दौलत की बात करें तो बा जिस दौलत तो बरपा चौपड़ा पर कबा, अब एक चीज़ हो गई सर, अब कट टू आप इस पर आ जाइए सर रामजन, ये सला कश को जुड़ बोलता रहे कहीं को सलाह को बचाने का कुछ अपन सलाह सिना दार कर बोलता रहे अपन मारा सला भाव को, अब एक सीन हो गया सर, अब कट टू आप डाउन में आ जाइए सर। वाह उन्होंने देख लीजिए, अभी ये हो गया, अभी उनकी आती फिर ये तुम्हारा अपना डॉन आती है, अब तो डॉन में उनका जो थोड़ा लहजा थोड़ा चेंज हो जाए, डॉन का इंतजार तो ग्यारह मुल्कों की पुलिस को नहीं सुना, लेकिन एक बात समझ लो अरे डॉन को पकड़ा मुश्किल है, अब कट टू आप सर मोहब्बत ही पर चले जाइए, बात कीजिएगा सर जहाँ से मैं देख रहा हूँ मुझे एक 55 साल का बाप 19 साल की फूल से बत्ती के नीचे खड़े देखा, अब तब भी हारे थे सर। और सर उन्होंने इतनी वैरायटी दी है शाहरुख साहब ने कि मैं एक्टिंग ही नहीं कर पाता। मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं इंद्र कुमार जी के साथ एक फिल्म कर रहा था सुपर नानी जो रिलीज़ हुई है, तो वहाँ पर मैं जब सर गया ऑडिशन देने के लिए गया तो पहली बात तो मुझे 8 घंटा वेट करना पड़ा, बोले सर कल आइए, मतलब नहीं मिल के जाऊँगा, क्योंकि हमारे जो दुनिया तुम्हारा देवानंद साहब थे वो इतने पॉपुलर हो चुके थे दिल पिक्चर से, मैं सोचा शायद मेरा भी लग भाई चांस लग जाए करके, 8 घंटा वेट किया, जैसे कैबिन खुला मैं सीधा गया, मतलब सर नमस्ते पैर बड़ा, मतलब सर डायलॉग सुनिए पहले, तो खड़ा खड़ खड़े 8-10 फिल्मों के डायलॉग सुना दिया यार, वो जो पहले बोला था वो डायलॉग सुना जो चिल्ला के बोला था, मतलब सर वो रामजन था, इस पर डायलॉग डिल कर ये स्क्रिप्ट ले परसों शूटिंग पे आ जा, तो सर काम इस तरीके से भी मिलता है सर। तो मुझे भी पहले होमवर्क करके दिखाना पड़ता कि शाहरुख साहब की कौन सी फिल्म का डायलॉग सुनाना है, तो मैं 8-10 डायलॉग्स बोलता हूँ, जो डायरेक्टर होता है ये डायरेक्ट डिलीवरी पे लॉक कर, तो उस अंदाज में मुझे बोलना पड़ता, बिकॉज मुझे शाहरुख साहब की आवाज़ नहीं आती निकालने, क्योंकि उन्होंने वेराइटी बहुत दी है। अब जो अमिताभ के लुक लाइक होते हैं तो वो कैसे है, वो एक ही वॉइस पकड़ के चलते, लेकिन शाहरुख साहब ने इतनी वेराइटी दी है, 70 फिल्में की है तो 70 फिल्म में अलग अलग वॉइस है उनकी, सब एक जैसी वॉइस ही नहीं उनकी कोई, तो मुझे थोड़ी यहाँ बहुत तकलीफ होती है सब चीज़ करने के लिए सर। वो कहते हैं ना कि नकल में भी अकल की जरूरत होती है, और हमारी इंडस्ट्री में कोई ओरिजिनल या डुप्लीकेट नहीं होता, एक्टर सिर्फ एक एक्टर होता है सर। अंतिम डाव या चित्रपटाचा मी लेखक आहे, आणि आतापर्यंत तुम्ही सगळं हिंदीमध्ये बोललात आणि प्रश्नांची उत्तरं सुद्धा तुम्ही हिंदीमध्येच मिळाली तुम्हाला, मी मराठीत बोलणार कारण कथानक मराठीत आहे। अंतिम डाव या टायटलचा एक शॉर्ट तुम्हाला मीनिंग सांगतोय, मानवाचे डाव खूप असतात, प्रत्येक जण आयुष्यात कुठले ना कुठले डाव खेळत असतो, पण मात्र त्यात तो फसतो जिंकतो हे तर चालू असतं, जसे त्याच्या नाण्याला दोन बाजू असतात ना, चांगुलपणा वाईटपणा, पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह, अशा दोन वृत्ती असतात, सज्जन आणि दुर्जन अशा दोन वृत्ती असतात, ह्या मानवाच्या दोन्ही वृत्ती प्रत्येक डावात आपल्याला दिसायला पडतात, आणि हे सगळे डाव मानव जेव्हा आयुष्यात खेळतो जिंकतो तरीही प्रत्येक वेळी तो हारतो, कारण नियती पुढं कोणाचं काही चालत नाही, आणि म्हणून जेव्हा नियती डाव खेळते तो डाव अंतिम असतो आणि तो डाव सत्याचा असतो, हा असा अंतिम डाव आमच्या चित्रपटात कुठेतरी खेळला गेलेला आहे क्लायमॅक्सला।
भाई देखो, मैं तो हो गया अभी बूढ़ा, मैं हो गया 45 साल का, अभी दौर इन लोग का चल रहा है। हमने हमारी ज़िंदगी जी ली और अच्छी खासी जी ली शाहरुख साहब के नाम से। वो कहते ना कि मालिक ने अपने औकात से बढ़कर दिया, घर गाड़ी दिया, बंगला दिया, नौकर चाकर दिया, अच्छी फैमिली दी, सिर्फ और सिर्फ शाहरुख साहब के नाम से। एक कहते हैं दोस्तों कि एक प्रतिभा के लिए आप अपना खुद का टैलेंट लेकर आते हो मुंबई शहर में। हम भी खुश थे, यही सोच कर आए थे कि मैं खुद का कुछ करूंगा आके, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया, तो हमने हमारी लाइन थोड़ी चेंज कर दी। हम शो लाइन में घुस गए, वहाँ से पैसा कमाने लगे, सिर्फ और सिर्फ शाहरुख साहब के नाम पे। तो खुद की एक्टिंग करने का कभी मौका ही नहीं मिला कि शाहरुख साहब के नाम से इतना काम मिल जाता है, शो मिल जाती, शूटिंग मिल जाती, दुकान चल जाती। इस पिक्चर में जो मेरा कैरेक्टर, वो भी जूनियर SRK है, जो मैं सर के साथ प्ले कर रहा हूँ। और ये आज का यूथ है जो बहुत अच्छा है, टैलेंटेड है। कि मैम अभी आपने कौन कौन सी फिल्में वगैरह की है? तो उन्होंने मुझे कल ही थोड़ा स्टोरी के बारे में ब्रीफ किया था, और अभी जो मुझे राजू जी के थ्रू कुछ मैसेज मिला है, इट्स अ कॉमेडी मूवी, शकील जी के थ्रू कुछ मिला था, तो वो एक अच्छी मूवी है, यूथ को लेकर है। और मराठी में जैसे जैसे अभी स्कोप बढ़ रहा है लोगों के लिए, तो ये बहुत अच्छी बात है। जिस तरीके से मंदी का दौर है, जिस तरीके से नोटबंदी हुई, बहुत कम लोग अब इन्वेस्ट करने लग रहे हैं, बहुत कम लोग फिल्म बना रहे हैं, मगर एक अच्छी फिल्म बनाना एक सोच के साथ, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और शकील जी उसमें आगे आ रहे हैं, और बाकी जितने कलाकार यहाँ काम कर रहे हैं, तो रोजी रोटी इन्हीं सब चीज़ों से मिलती है। आप जैसे थोड़े और दो चार आ जाए, दो चार नहीं, 100-200 आना चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्री दो चार आएंगे तो 100-200 आएंगे ना, दो चार स्टार्ट करेंगे। तो मैं बस नहीं कहना चाहूँगी कि ये मूवी बाकी मूवी से और अच्छी बेहतर करे, क्योंकि 2020 में ये मूवी बनेगी, फिर रिलीज़ होगी। तो मेरी तरफ से तो बस यह है कि आप अच्छा करें, और मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ब्लेसिंग यही है कि मूवी हिट हो, और आप लोगों का सबसे बड़ा अहम रोल है कि आप लोग मूवी हिट करेंगे। जी मैं यहाँ रांची के थ्रू आई हूँ, और काफ़ी अच्छा लगा मुझे, ये नया कॉन्सेप्ट लगा। तो मैं तो एज ए चाइल्ड एक्ट्रेस, मैंने रेखा जी, जितेंद्र जी, मिथुन चक्रवर्ती सबके साथ बचपन से काम करते आई हूँ। अभी दो मेरी हिंदी मूवी एज अ मेन लीड रिलीज हुई, एक रीजनल ख्वाजा मेरे ख्वाजा, एक लाफ्टर के चैप्टर 8 नवंबर को। तो अभी ये मराठी कॉन्सेप्ट मुझे न्यू लगा, तो मेरी अलग लैंग्वेज में कुछ करना चाहती हूँ। फर्स्ट फिल्म रहेगी आपकी मराठी? मराठी फर्स्ट होगी मेरी, साउथ और हिंदी किया है मैंने। नहीं सर, शाहरुख साहब ही है, दुकान शाहरुख साहब से चलती ना सर मेरी। अब आपको मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से बता दूं, ये शाहरुख साहब जो वर्ड है ये मैंने स्टार्ट किया इंडस्ट्री में, आज सारे लोग शाहरुख साहब बोल के ही बात करते हैं। वो कहते हैं ना कि नकल में भी अकल की ज़रूरत होती है, तो हमारी दुकान शाहरुख साहब के नाम से चली और ताउमर पूरी ज़िंदगी भर चलती रहेंगी। अभी जैसे एक साल से ब्रेक है शाहरुख साहब का, तो हमारे भी शो थोड़े कम हो जाते हैं, क्योंकि जो हमारे जो लक होता है वो स्टार से जुड़ा होता है। जब हमारे स्टार बहुत फॉर्म में होते हैं, ज़्यादा चलते, तो हमें ज़्यादा काम मिलता है। अब जैसे शाहरुख साहब एक साल से फिल्म नहीं कर रहे, तो एक साल से हमारे भी काम थोड़े स्लो हो जाते हैं, तो हम अधिकतर पूरा डिपेंड उन पे ही होते हैं। लेकिन इतना है कि एक शो लाइन के माध्यम से हम कुछ थोड़ा बहुत पैसा कमा लेते, क्योंकि हर दिन एवरीडे शूटिंग नहीं होती है, तो शो एक हमारा जरिया है जहाँ से हमारा घर चलता है। दोस्तों को मेरा अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों, मैं उत्रिशा खान, और आज इस फिल्म की मुहूर्त हो रही है अंतिम दाव। तो मेरे तरफ से बहुत सारा शुभकामनाएं टू द एंटायर टीम एंड टू द डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड ऑल द आर्टिस्ट हु इज वर्किंग ऑन दिस मूवी, सो गुड लक टू एवरीवन। मुझे मौका मिलेगा तो उतना ही अच्छा लगेगा, जैसे हर फिल्म में काम करने में अच्छा लगता है, क्योंकि हम कलाकार हैं, तो हमारे लिए जैसे कोई काम आता है वो काम इम्पोर्टेंट होता है, किरदार को निभाना हमारा कर्तव्य है, हमारा काम है, हमारी खुशी होती है, उतना ही अच्छा लगेगा। अंतिम दाव लेके आ रहे हैं तो कुछ अच्छा ही करेंगे, बट फिल्म ला रहे अंतिम दाव, दिस इज नॉट द फाइनल थिंग, फिल्म का नाम अंतिम दाव है। आगे और भी काम करेंगे और बहुत सारा अच्छी प्रोजेक्ट करेंगे, बहुत बहुत शुभकामनाएं।